तीज करवा चौथ ये सब मुझे बहुत पसंद है। एक तो हस्बैंड से हमें गिफ्ट मिलती है, न्यू साड़ी या सूट लेते हैं, और साथ के साथ हस्बैंड की लंबी उम्र की पूजा भी हो जाती है। मैंने दो लोग सोचा है कि इस फेस्टिवल में पहनूंगी, आप मुझे बताना दोनों में से कौन सा साड़ी अच्छा लग रहा है। फर्स्ट साड़ी ये रेडी टू वेयर साड़ी है, एक्चुअली मेरे पास ये इस टाइप की साड़ी थी नहीं, तो मैंने सोचा इसे ट्राई करते हैं। इस टाइप की स्लीव्स अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, इसका बेल्ट पूरा साड़ी का लुक ही चेंज कर दे रहा था। वैसे साड़ी प्लेन थी तो मैंने हेवी ज्वेलरी पहना है, ये ज्वेलरी मैंने अमेजोन से ली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड हियर इज फाइनल लुक, कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये लुक कैसा लगा। एक बात बताऊं, मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है। जब मैं अनमैरिड थी ना, तब मैं अपनी सिस्टर की साड़ी बहुत पहनती थी, घर का कोई फंक्शन हो या कॉलेज का कोई फंक्शन हो। हाँ, एक प्रॉब्लम है कि साड़ी पहनकर काम नहीं कर सकती, लाइक थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर चाहे 90% खुशी है, 10% एडजस्टमेंट हम गर्ल्स तो कर ही लेते हैं। मुझे ये साड़ी मेरी शादी में मिली थी, एक रस्म होता है जिसमें दुल्हन के फेस को कवर करते हैं, और बनारसी साड़ी से ही दुल्हन के फेस को कवर करते हैं। मुझे ये साड़ी की कलर कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। लाइक अभी इतने फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं, तो मैंने सोचा इस बनारसी साड़ी को किसी एक फेस्टिवल में पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली बनारसी साड़ी बहुत पसंद है। क्योंकि आप जब भी पहनोगे ना, आपको एक रिच, एक प्राउड एंड कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आती है। बस थोड़ा प्रॉब्लम इसके पल्लू या आंचल को एडजस्ट करने में होता है, तो मैं एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आप आसानी से पल्लू को एडजस्ट कर लेंगे। और आप सोचेंगे कासिम मुझे पहले पता, और इस ट्रिक के बाद आप अगर बनारसी साड़ी पहनने से डरते थे या बनारसी साड़ी पहनने में आपको प्रॉब्लम होती थी, बट अब नहीं होगी। आपको करना क्या है, आंचल को एज पर वीडियो डायरेक्शन शोल्डर पर सिक्योर कर ले, फिर जो नीचे का बॉर्डर दिख रहा है उसको ऊपर रख के नीचे से 3-4 प्लेट्स बना ले, फिर उस प्लेट्स को सेफ्टी पिन से सिक्योर कर ले जैसा वीडियो में दिख रहा है, फिर आंचल को हल्का टाइट करके ब्लाउज से अटैच करके सेफ्टी पिन से सिक्योर कर ले। फिर उसके बाद आप कितना भी हैंड मूव कर कीजिएगा, आपका पल्लू सेट ही रहेगा। अगर आप चाहते हैं मैं और आप हमेशा मिलते रहे और कुछ खट्टी मीठी यादें शेयर करते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अपने चैनल पर रोज हेयर केयर, हेल्थ केयर एंड बहुत सारे हैक्स डालते रहती हूँ। पूरा लुक आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और इस टाइप के वीडियोस और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।